हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इफ यू आर न्यू फॉर दिस चैनल तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ माय लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम टाइम टू टाइम। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना टीच यू मेनी यूजेस ऑफ यूज्ड टू मॉडल वर्ब। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। लुक एट द बोर्ड। Used to, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किया करता था, किया करती थी या किया करते थे, या करता था, करती थी, करते थे। जिस भी वाक्य के अंत में आए किया करता था, किया करती थी या किया करते थे या फिर करता था, वहां पर हम used to मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। पास्ट की हैबिट या पास्ट की सिचुएशन बताने के लिए used to मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है। भूतकाल की आदत या अवस्था को बताने के लिए यूज टू मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है इस प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू प्ले क्रिकेट डेली। मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेला करता था। ये मेरी पास्ट की हैबिट है जिसे मैं प्रेजेंट में बता रहा हूँ। वहां पर हम पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज टू मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। मिस्टर राज यूज टू स्मोक अ पॉकेट ऑफ सिगरेट डेली। मिस्टर राज प्रतिदिन सिगरेट का एक पैकेट पिया करते थे। इस प्रकार के वाक्यों में जहां पर भूतकाल की आदत या फिर अवस्था बताई गई हो वहां पर हम यूज टू मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। नेगेटिव यूज टू मॉडल वर्ब का नेगेटिव जो सेंटेंस बनेगा वो इस प्रकार होगा, आई यूज नॉट टू ड्रिंक। मैं शराब नहीं पिया करता था। ड्रिंक मतलब शराब पीना भी होता है। आई डिड नॉट यूज टू ड्रिंक। मैं शराब नहीं पिया करता था। आप नेगेटिव सेंटेंस यूज टू के दो प्रकार से बना सकते हैं। या तो आप यूज्ड के बाद डायरेक्ट नोट लगा दें या फिर आप डिड का यूज कर लें। अगर आप डिड का यूज करते हैं तो आपको यूज्ड की जगह यूज टू लिखना होगा। जैसे आई यूज्ड नॉट टू ड्रिंक, मैं शराब नहीं पिया करता था। आई डिड नॉट यूज टू ड्रिंक, दोनों ही करेक्ट है। इसी प्रकार इंटरोगेटिव में भी आप चाहे तो डिड का यूज कर लें या फिर यूज्ड टू का। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी, यूज्ड राहुल प्ले पबजी। क्या राहुल पबजी खेला करता था या डिड राहुल यूज टू प्ले पबजी। अगर आप डिड का यूज करेंगे तो यूज्ड का यूज हो जाएगा, अगर आप डिड का यूज नहीं करते हैं तो यूज्ड का यूज्ड ही रहेगा। यूज्ड टू का नेक्स्ट यूज है, जब यूज्ड टू के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है तब यूज्ड टू का हिंदी मीनिंग होता है आदत है, लत है या आदि है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जिसके बाद यूज टू, जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जब यूज टू के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आए तब यूज टू का इस्तेमाल एक एडजेक्टिव की तरह किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज यूज टू ड्रिंकिंग, उसे शराब पीने की लत है या उसे शराब पीने की आदत है। इस प्रकार के वाक्यों में जहां पर हमें ये बताना हो कि किसी को किसी चीज की लत है तब हम यूज टू का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। तुम सोने के आदि हो, यू आर यूज टू स्लीपिंग, या तुम्हें सोने की लत है, यू आर यूज टू स्लीपिंग। जब आपको या किसी को भी किसी चीज की आदत है या लत है या आदि है तब हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले, यूज टू से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी तब ही यूज टू का इस सेंस में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे टीवी देखने की लत है, आई एम यूज टू वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसकी झूठ बोलने की आदत है, she was used to telling a lie। इस प्रकार के वाक्यों में जहां पर यूज टू के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है तब यूज टू का सेंस निकलता है किसी चीज का आदि होना या लत होना। यूज टू एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है इस प्रकार के सेंटेंसों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर और अपनी केयर जरूर करें।